मंडल मुख्यालय पौड़ी स्थित शहीद स्मारक पर आज शौर्य दिवस मनाया गया। इस अवसर पर 1999 के कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान स्कूली बच्चों ने वीर सैनिकों के लिए देशभक्ति के गीत गाए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि आज का दिन गौरव का दिन है। कारगिल युद्ध का हिस्सा रहे पूर्व सैनिक बकुल रावत ने कहा कि जिस तरह से सीमा पर लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं, इसे देखते हुए सरकार को सेना को खुली छूट दे देनी चाहिए। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कारगिल शहीदों के लिए एक बड़ी उस समय घोषणा की थी, वो सब पूरी हो गई है। हमारे राज्य में भी हमारे मुख्यमंत्री जी और हम लोगों ने अब जितने भी लोग शहीद होते हैं उनके परिजनों को नौकरी देने से लेके उनको स्वरोजगार की तरफ ये सारा काम हम कर रहे हैं। और एक नया काम हमने किया है कि जो हमारे उत्तराखंड के बच्चे CDS में सिलेक्ट होंगे, NDA में सिलेक्ट होंगे, उनको 1-1 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाए। और मैं नई पीढ़ी को यही कहना चाहता हूँ कि उनको NSS में भाग लेना चाहे, NCC में भाग लेना चाहे और सेना की ओर उनको जरूर अपना रुख कर सकते। देखिए, जब तक सरकार फ्री हैंड नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं होगा सर। मैं आज आपको आपके माध्यम से यही कहूंगा कि फौज को फ्री हैंड दे दीजिए, उसमें कोई पॉलिटिक्स मत करिए। कोई मिलिटेंट होता है आप ये ऑर्डर दीजिए सूट एनेक्स साइड का, देखिए अगर मिलिटेंट एक महीने क्या एक 15-20 दिन में पूरा हो जाएगा, आपको दिखेंगे नहीं कश्मीर में मिलिटेंट, इतना मैं दावा कर रहा हूं। आप फ्री हैंड छोड़ दीजिए, देखिए कैसे मार के लाते हैं।